नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। महंगाई से परेशान लोगों को रक्षाबंधन के मौके पर मोदी सरकार सस्ते एलपीजी सिलेंडर की सौगात देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक महंगे एलपीजी सिलेंडर को लेकर विपक्ष के लगातार हमले झेल रही मोदी सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती करने का फैसला किया है। हालांकि ये फायदा केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही मिलेगा। मोदी सरकार के इस फैसले से खजाने पर 7500 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। बीते साल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस के दामों में तेजी से उछाल देखने को मिला था, तब मई 2022 में मोदी सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर रिफिल कराने पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देना शुरू किया था, जिसकी मियाद को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बावजूद इस योजना के तहत सिलेंडर कराने वालों को 900 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यही वजह है कि पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब 200 रुपए अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देने का फैसला कर रही है। तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।